बेला जी थैंक यू वेरी मच आपकी मोहब्बत का आपकी इस एनर्जी का बेला जी की टीम आप लोगों का भी थैंक यू वेरी वेरी मच यहाँ की हर सूबे से पंजाब से, से बलोचि से, के पी के आजाद कश्मीर से आप सब जो मुझे देखकर इतना प्यार बांट रहे हैं आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया हर सूबे की एक अलग ही मोहब्बत है और फिर सूबों के अंदर जो हमारे शहर है हर शहर की एक अलग मोहब्बत है मोहब्बत करने का अंदाज अलग है इतनी मोहब्बत मैं कहाँ समेटू बेला जी बताएं लाहौर की बात करें तो लाहौर के नज़ारे लजीज खाने द सिटी ऑफ गार्डन क्या कल्चर है क्या हिस्ट्री है क्या बाग है और क्या ही गर्मी है लाहौर फोर्ट से लेकर बादशाही मॉस्क और फिर हमारी बसंत का कैपिटल भी लाहौर ही था उन होंदी नहीं है मतलब पहले तो छतों पे गाने लगते थे लाहौरियों की मोहब्बत है ही कुछ डिफरेंट दूर वे के कहते हैं ओ मोमन की हाल ने शिजादे ठीक है जफ्फी पा ऐतराज नहीं जफ्फी फिर बात की जाए गुजरा वाला की क्या शहर है पहलवान बब्बर शेर खुश होते हैं तो खाना खाते हैं टेंशन में होते हैं तो ज्यादा खाना खाते हैं फिर जानी फैसलाबाद की अगर आप बात करें तो मतलब जो भी फैसलाबाद के बारे में बात करनी बहुत ही सोच समझ के करें क्योंकि आप सोच समझ के करें या फिर ना करें जवाब में आपको जुगत ही आनी है मेरी जान <laughs> और बात की जाए पिशावर की तो क्या बात है मेरी जान इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री 539 बीसी तक जाती है दैट मेक्स इट वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट सिटीज इन साउथ एशिया पिशावर की बात करो और किस्सा खबानी बाजार का जिक्र ना हो ये तो हो ही नहीं सकता द मार्केट ऑफ स्टोरी टेलर्स यहाँ की चाय और कावा इसका हर कोई दीवाना हो जाता है और ऑफकोर्स ये दिलीप कुमार और राज कपूर का भी शहर है यहीं पर वो पैदा हुए मेहमान नवाजी में भी पेशावर वालों पे बात ख़त्म है मतलब भाई जाते ही दुम्बा कढ़ाई ऊपर से गुड़ वाला कावा जितनी देर में बंदा घर पहुंचता है तो कावा खाने को हज़म कर देता है और बंदा फिर जाकर कहता है अब खाने में क्या है <laughs> और कराची को कैसे भूल सकता हूं मेरी जान हमारे कायद मोहम्मद अली जिना का शहर उनकी पैदाइश वहां हुई उन्होंने अपना सफर वहां से शुरू किया हमारे मुल्क का फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल कैपिटल कितने डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलेंगे आपको कराची में डिफरेंट एथनिसिटीज जितने तेज खानों में मसाले उतनी ही तेज उनकी जिंदगी मतलब कराची में तो किसी के पास टाइम ही नहीं है पूछो क्यों क्योंकि सारे ट्रैफिक में फंसे हुए या ट्रैफिक चलती नहीं उधर लेकिन मेरी जो भी है कराची में मैंने बड़ा टाइम गुजारा है सिटी ऑफ लाइट्स आई लव इट और भाई मुझे तो अपने हर सूबे से प्यार है वो सिंध हो पंजाब हो के हो या हमारा खूबसूरत और बेहतरीन

और अपने शहरों को बेहतर बनाने की कोशिश करें हर नेहमत है इस मुल्क में अब बस हमें यह देखना है कि हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए और इसी के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट को आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है अपने 20 साल से ज्यादा के करियर में ही अ पार्ट ऑफ सेवरल सुपर हिट प्रोजेक्ट फिल्म ड्रामाज प्रोडक्शन या होस्टिंग कुछ भी हो देर इज नो वन डज इट बेटर शो में चार चांद लगाने आ रहे हैं ब्रिटिश एशियन एक्टर एसन खान हियर एंड एज असर भाई क्या हाल है आप कैसे हो आप कैसे हो आई एम गुड आई एम गुड माशाल्लाह हाउ आर यू माशाल्लाह ये प्यार ये मोहब्बत कैसा फील करते हैं जब इतने लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो सही है oh! <laughs> मजाक कर रहा हूँ बहुत अच्छा फील हो रहा है सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम सब जो यहाँ लोग बैठे हैं और जो ऑडियंस हमें देख रही है आपका शो बड़े शौक से लोग देखते हैं यार और समा से एक बड़ी अच्छी एसोसिएशन मेरी भी है आ, पूरा महीना आ, समा टीवी पे था अभी रिसेंटली इन रमज़ान सो so, सबको मेरा सलाम एंड थैंक यू क्या बात है तालियाँ

या ये फिर ठीक है क्या बात है आप तो लोग अपनी बीवी की भी बात इसी तरह अगर माने आप तुम कहो बैठ जाऊं तो बैठ जाऊंगा तो फिर तो तुझे क्या पता मानते हो घर में ये भी बात ठीक है तो सबसे पहले तो इस बात में कोई शक नहीं है कि यू आर अ ब्रिटिश एशियन एक्टर इस पे मीम्स भी बनी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपने इस सब को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया

यार प्लान यही था बैक इन 2000 प्लान यही था कि सब लोग वापस जा रहे हैं तो वी विल बी गोइंग बैक बट आई वाज कम्प्लीटिंग माय बैचलर्स तो उससे पहले मैंने तो ये काम मतलब तो घर वालों को बताए बगैर शुरू किया था okay. और लाइक like, आप सोचो उस जमाने में ये होता था कि इस काम को थोड़ा सा अभी भी कुछ लोग कुछ फैमिली से मायूब समझते हैं और उनको ये एक्चुअली वो समझते हैं इसलिए मायूब है कि दे थिंक उनका बच्चा या उनकी बच्ची जो है उसको शायद एक्सपोजर नहीं है तो पता नहीं कहां जा रहा है और क्या हो जाएगा एक इमेज है अब बट ग्रेजुअली दैट इमेज हैज काइंड ऑफ

Uh, तो इतफाक की बात हैंडन में बन रहे थे यहाँ से कुछ काम करके गया तो वो प्लेस वालों ने मुझे वहां पे कॉन्टेक्ट किया एक प्ले का नाम था खयाल और एक का चमान right. चश्मान के डायरेक्टर नदीम बेग साहब थे जो अभी नदीम बेग फिल्म जो बनाते हैं हमारे और उसमे असद नुमान एजाज फरा शाह वनीजा अहमद सब लोग थे और ख्याल में भी वही तो देवर शूटिंग इन लंडन सो तो जावेद फाजल साहब ही इज़ नो मोदर सो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि एक एक्टर एक लंडन में कोई पाकिस्तानी नया लड़का है जो यहाँ रहता है तो तुम यहीं पे रह रहे हो यहीं पे काम कर लो सो आई शॉट दो प्लेय इन लंडन तो वो दोनों प्लेज जब यहाँ चले तो मुझे और काम यहाँ से ऑफर हुआ सो आई केम बैक मुझे साहब का प्ले ऑफर हुआ फिर एक दो फिल्म्स ऑफर हुई सो मैं तो फिर वापस और वहाँ से सफ़र वापस आके ऐसा चला कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग इनकी है पहले भी थी नेबर्स में भी थी और हमारी जो भाभी है वो इनकी नेबर ही थी तो भाभी को जब हाँ की तो बाकी नेबर्स को ना कैसे की ऐसा नहीं फील हुआ कि शादी पे कोई धावा बोल देगा कि ऐसा तो मेरा है या कुछ <laughs> नहीं मैंने ऐसा किसी को कहा ही नहीं था कि मैं आपको वो तो तब होता ना जब जबरदस्ती नहीं कहा कि मैं तुम्हारी हूँ अच्छा वो बताना जरूरी है हाँ भाई वो तो यार आपको पता है कि वेन यू आर यंग तो ऑन एंड ऑफ़ यूर यू आपकी लाइकिंग डेवलप हो जाती है या किसी की आपके लिए डेवलप हो जाती है बट ऑबली वन यू गेट मैरिड इन यू डिसाइड कि यार मैंने अभी शादी मतलब यहाँ पे करनी है और शादी कर ली तो फिर नेचुरली uh, वो इंसान को थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए बिल्कुल तो ये लव स्टोरी डिवेलप कैसे थी वो फिल्मों की तरह के छत पर गए और वो

थी भी और नहीं भी थी नहीं लेकिन शर्माई है ना जो एक एक नहीं, नहीं, है। ओ यार कुछ बातें बतानी होती कुछ नहीं बतानी थी समझा कर या, हाँ यार तो वो जितनी बतानी है उतनी बताऊंगा हाँ। तो एक अच्छी दोस्ती थी एंड देन वी थॉट के वी शुड गेट मैरिड इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे हाँ क्या बात है क्या बात है इनके लिए माशा अल्लाह अल तुश रखे उदारी ड्रामा आपका

Uh, कुछ गलत तो नहीं कर रहा तो इसलिए वो एक टिपिकल uh, माइंडसेट होता है कि हम लोग हीरो हैं यार और हर वक्त एक हीरो स्टाइल में रहना और uh, उसी में लाइक like, परफॉर्मेंसेस करना फिल्म्स करना ड्रामे करना जो भी आप कर रहे होते हैं सो ऑल ऑफ अ सडन जब आपको नेगेटिव कैरेक्टर ऑफर होता है तो बहुत से लोग रिफ्यूज करते हैं और करते करना चाहते भी नहीं है सो so, मैं भी नहीं करना चाह रहा था और आई थिंक तीन लोगों ने रिफ्यूज किया था मेरे बाद भी। ने किया पहले नहीं पहले मुझे ऑफर हुआ फिर आई थिंक दो और एक्टर्स को ऑफर हुआ उन्होंने मना कर दिया फिर मेरे पास वापस स्क्रिप्ट आया कि ये कर लें और एंड एक्चुअली आई साइंड टू प्लेस टुगेदर वन वाज लाइक नॉर्मल हीरो वाला जो एक टिपिकल टिपिकल नहीं था बड़ा अच्छा प्ले था वो भी एंड देन आई साइंड वन नेगेटिव वाला तो मैंने कहा चलो दोनों आगे पीछे चलेंगे भी आप हर चीज़ को एक अच्छी इंटेंशन से करते हैं बट यू नेवर एक्सपेक्ट का क्या चीज़ कब चल oh. जाए uh, वो आप आई थिंक इट्स अबाउट योर ला एंड हार्ड वर्क एंड आई थिंक एक डेस्टिनेशन आपकी क्या कहते हैं कि डेस्टिनी जिसको कहते हैं आप कि आपने कहाँ पहुँचना है सो एनी हाउ वो काम अच्छा लगा लोगों को और वो था एक कॉज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी थी और मुझसे हो ड्यूरिंग दैट वर्क आई वॉज सो डिस्टर्ब्ड बिकॉज बड़ी एक डीप इशू पे वो काम है और उससे पहले मैंने चाइल्ड भी के बारे में उस तरह से सोचा भी नहीं था कि यार ये इन बच्चों पे क्या गुजरती है जब इन बच्चों के साथ ऐसा होता है अपनी ज़िंदगी में आम जिंदगी में Uh, ये जिनके साथ गुजरा है uh, psychological issues obviously बच्चों को हो जाते हैं, और बड़े uh, criminal हो जाते हैं, हैं, हैं या uh, सारी ज़िंदगी एक में रहते हैं, रहते वो so, well, really well uh, यार, और फिर मुझे uh, उस इशू पे बात करने के लिए आज तक बुलाया भी जाता है और आई uh, थिंक वो आपका uh, आप जब काम कर रहे होते तो सोसाइटी को यू हैव टू सो फिर आप कहीं ना कहीं घूम के Uh, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती कि इस बात पे अब आपने जोर देना है तो मैंने जहाँ जहाँ बस चला जिस प्लेटफॉर्म पे मैं गया तो आई स्पोक अबाउट चाइल्ड अब्यूज एंड द लॉज एंड रियली वे एक अवेयरनेस भी क्रिएट प्ले के जरिए आई थिंक पाकिस्तान ड्रामा हिस्ट्री में जब भी कभी जिक्र किया जाएगा कि कोई ऐसा काम हुआ जिसपे uh, शुरुआत की गई तो इस ड्रामे का नाम आएगा इनशाला जरूर

क्या कमाल किया यार तुमने मोमिन लव यू यार गाना कितना से ढूंढ के निकाला था यार पता ही नहीं था कसम से अब आपका पता नहीं कौन सा है नहीं यही लगेगा गाना मोमिन कम है मैं तो गाना यार ये आपकी बारी है चलो

यार मुझे ऑडियंस में से किसी का डांस देखना है किसी को आता है आज आज सामने वही सीट पे सीट पे ही सीटो फिर आज आज आओ यार इधर आ गाना लगाओ देखो इंसान जिंदगी में हमेशा वो चीज रिग्रेट करता है जो वो नहीं करता सबसे पहले तो एक दफा फिर एहसन भाई की जो एनर्जी है एन इनकी वाइब है इनकी जिंदा दिल है इसका फैन एक्टिंग तो करते ही कमाल थे। बंदे कितने कमाल है आज मुझे पता चल गया तालियां एहसन <laughs> भाई माशाल्लाह आप इनका एक जुड़वा मूवी देखिए आपने तो सलमान खान की वो हाथ ऐसा करता था उसका भी हाथ उधर ऐसे हो जाता था इनका एक लंदन में जुड़वा भाई है वो कहते हैं कि अक्सर एहसन खान समझ के लोग मुझसे पिक्चर्स ले लेते हैं कोई ऐसी शरारत जो दोनों भाइयों ने साथ में की हो जो आपको याद हो नहीं शरारतें बहुत की लेकिन आ, वो ये होता था कि आ, लोग लोगों को पता नहीं चलता था कि किसने किया है तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने किसी को छेड़ दिया या ये दबे लफ्जों में कह रहा हूँ <laughs> या किसी को तंग कर दिया या कुछ ऐसा काम कर दिया तो वो अक्सर मेरे पास कंप्लेन आ गई या मेरे लिए कंप्लेन आ गई एंड ही वॉज अ ही वन मैं सोचता था कि यार मैंने तो ये किया ही नहीं काम तो फिर ऑब्वियसली पता लगता था कि यासर ने किया है सो so, लेकिन ही इज़ ऑब्वियसली ए वंडरफुल पर्सन एंड आ, बड़ा मेरा जबरदस्त भाई है यार। कभी तो ऐसे हुआ कि आपने कुछ शरारत करके उन पे डाल दिया यार मैं यकीन मैं तो ये सोचता ही रहेगा कभी मैं भी शरारत करूँ और मैं उस पर डाल दूँ <laughs> लेकिन ऐसा हुआ नहीं हर रोज उसकी एक शरारत होती थी और हर रोज ये जज हो रहा था किसने किया ये काम उनका नाम क्या है यासिर यासिर भाई अब आपको हम बता दें आज असल भाई यासिर भाई मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए थोड़ी देर के लिए दूर जाएंगे ब्रेक लेंगे इस तरह जाकर इस तरह आएंगे कीप हद कर दी जी वेलकम बैक कहाँ चले गए थे कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा था मैं तो लड़ रहा था चैनल के साथ कि जल्दी से ब्रेक खत्म करो मुझे ये लोग चाहिए क्योंकि इन लोगों से मिलती है मुझे एनर्जी आ जाए इंसानों से तो मोहब्बत करते ही हैं लेकिन हमने सुना है जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं हाँ, आप। किसी भी इंसान जो इंसान होगा असल मायने में उसको जानवर से मोहब्बत होगी

तो माय फ्रेंड्स आर स्नेक्स एक्चुअली देखते हैं ना ये सांपों के खिलाफ की जो कैंपेन है इसको खत्म करें और इन फैक्ट मैंने टीवी पे ये एंकर्स को भी कहते सुना है पॉलिटिशियंस को भी दूसरे को सांप है उसके अंदर सांप छुपा है वो असली का सांप, सांप है, है वो है। एक सांप ये क्या मिसाल है यार तो आज हम सांप से पूछेंगे कि असल में सांप कौन है <laughs> जी तो इमरान हंटर एक एनिमल लवर एक दूसरे एनिमल लवर से मिलने की ख्वाहिश रखता है और चाहता है कि अपने एनिमल्स को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं आपकी भरपूर तालियों में इमरान हंटर <laughs> मैं <तुम्लेकुं। laughs> <तुम्लेकुं। laughs> दूर से बस

आ, और को बनना, बनना चाहिए के के बारे बारे में 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 क्यों इतनी सांपो क्यों के बारे असल इसलिए खराब है कि नॉलेज नहीं है लोगों को हाँ। और नस्ल दर नसल जो बड़े बताते आ रहे हैं कि इनके नाम के साथ ना उन्होंने दुश्मन का एक वर्ड लगा दिया हुआ है ए दुश्मन है जी ठीक है पैदा होता है बच्चा जब होश नालता है तो वो सांप के नाम से डरता है फिर यहाँ पे एक और गलत चीज चल रही है हमारी कि हम अपने बच्चों को डराते हैं कोई चीज उससे बचानी होती है सांप आ जाएगा बिल्ली आ जाएगी कुत्ता आ जाएगा तो वो ना नेगेटिव वेव्स वेव देते हैं अच्छा बड़ी अच्छी बात बातेंगे आप अगर टर्की जाओ तो आप नोटिस करते हो कि उनके जो देर डॉग्स ऑन द रोड जो हुँ. बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगे कुत्ते सड़कों पर और बिल्लियां बहुत ज्यादा नजर आएंगी तो वो बिल्कुल उनको आप डराओ भी तो वो अग्रेसिव नहीं थे। वो भागते नहीं क्योंकि लोग इतनी मोहब्बत उनको उनको देते हैं कि उनको ये मालूम नहीं है कि वो डराने वाला वो क्या है आप उससे डर रहे होते हो आपको नहीं पता वो आप ये आज कौन से आप हमारे लिए स्नेक्स लेकर आए सॉरी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कोबरा निकाल लिया आपने सर ये अब कुछ कंट्रीज में ऐसे भी लोग हैं जो खाते भी हैं स्नेक्स को हाँ जी सर थाई में बहुत ज्यादा थाई में थाई फूड में मटन मतलब अब रोटी के साथ इस तरह खाते हैं वेलकम टू हाथ कर दी विद मोमिन जाकिब सर इस तरह की बातें उसके सामने करेंगे ना तो वो वो हमें बिरयानी बना लेंगे सर इसके साथ आप किस लेवल का रिलेशन है सर इनके साथ

थोड़ा स्क्वीज करने के लिए उनके लिए दूसरा 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 बहुत वेरायटी है सर तालियां यार इनके लिए इनके लिए तालियां इनके लिए वो तो काम ही उनके यही तो हमारे लिए तालियां होनी चाहिए पहले मतलब हमने

मुझे उसने बाइट किया यही हाँ। मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया था हाँ। कि आपको भी बाइट बिल्कुल ठीक है मैं समझ इसी बड़े से है, <laughs> लेकिन वो मेरे मुझे बाइट हो गया उसने फिर अटैक किया अब होता ही है कि कई दफा रेस्क्यू करते हुए अब बहुत से लोग हमारे पेजेस पे मुख्तफ जगहों पे आके हम अटैक करते हैं वीडियो के जी हमने ये स्नेक मारा नहीं रेस्क्यू किया है ये हमारी फसलों के लिए अच्छा है ये चूहे खाता है

सर थैंक यू सो मच इंशाल्लाह जब ये वाइल्ड लाइफ में चले जाएंगे तो इस टोकरी में फिर मैं अपनी रोटियां रखा <laughs> जी चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हमारे सितारे यहाँ पे हम आपका तारुफ पाकिस्तान के कुछ ऐसे अनसंग हीरो से करवाते हैं जो अपने एहसास मेहनत और लगन के थ्रू पाकिस्तान में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और आज के हमारे जो सितारे हैं उनका नाम है डॉक्टर साइमा ये एक ऑथर हैं ट्रेनर हैं ऑनट्रप्रिनोर हैं और एक प्राउड पेरेंट भी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर साहिबा पी एच डी इन पंजाबी हैं और इनका सारा काम भी पंजाबी लिटरेचर पर है लेकिन इनके दिल के सबसे करीब जो इनका काम है वो इनकी ऑडियो बुक्स हैं दैट हैव हेल्प द विजुअली चैलेंजड जो ये ब्लाइंड बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स अपनी वेबसाइट पर डालती हैं बाकी बातें इनसे मिलकर करेंगे आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूँगा डॉक्टर साइमा शबान क्या हाल? दुण जैसे दुण दुण है, दुण भाई। सामने आप प्लीज तो तो सबसे पहले तो आपके आने का बहुत शुक्रिया पहला सवाल मेरा यह है कि साइंस और साइकोलॉजी के बाद आपने पीएचडी इन पंजाबी की जहां के लोग तो ऑलरेडी अब एक बड़ा ही मेरे हिसाब से वियर्ड सा कल्चर बनता जा रहा है लोग पंजाबी बोलना छोड़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीजन थी uh, सबसे पहले यहाँ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया और सेकेंडली uh, जो क्वेश्चन आपका था uh, ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसी इमेज को ही मुझे ब्रेक करना था टू uh, 2013 में मैंने गैप uh, के बाद स्टडीज़ जब स्टार्ट की तब बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि हम अपनी मदर लैंग्वेज को वो वर्थ देते हैं या नहीं बच्चे का एडमिशन करवाने गई तो वो उन्होंने पूछा कि कितनी लैंग्वेजेस आती हैं उसने बोला कि पंजाबी उर्दू और इंग्लिश जस स्कूल में तो उन्होंने बोला इसको किसी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि इसने पंजाबी का नाम लिया पंजाबी कट कर दें तो मैंने कहा ये तो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है विद ग्रैंड फादर्स तो फिर मैंने सोचा कि पंजाबी को इस प्राउड तक लाने के लिए जो पहले किसी हमारे क्लासिकल में ख़त्म हो गया फिर 1947 के बाद उस तरह से दुनिया के सामने नहीं आया क्योंकि पंजाबी को हम टैग करने जा रहे थे सिखों के साथ कि उनकी पग है वो कनाडा में बोलते हैं वहाँ सेकेंड लैंग्वेज है पंजाब में पंजाबी को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं तो वाई तो फिर इस क्वेश्चन के लिए मुझे वो इंस्टीट्यूट में स्पेशल एम फिल में मैंने किया और फिर सिख रिलीजन से रिलेटेड मैंने वो दो किताबें लिखीं और उस पर थीसिस भी किया फिर सेमिनार्स वर्कशॉप्स इसके थ्रू uh, ये साबित करने की कोशिश की कि पंजाबी लिटरेचर पंजाबी लैंग्वेज मुसलमान ज़्यादा हकदार हैं नी जबान जो आपकी होती है कल्चरल रीजनल जो भी लैंग्वेज है उस पर आपको फख्र होना चाहिए ये एक आई थिंक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है लोगों का पूरी दुनिया में अपनी जबान को लेके बहुत पोजैसेव होते हैं लोग और बहुत फ़ख्र से बोलते हैं लेकिन यहाँ पे शायद जो पंजाबी बोलते हैं उनको थोड़ा सा लुक डाउन किया जाता है कल्चरली बट आई थिंक यू डूइंग अ ग्रेट जॉब माशा इनकी ये बात कि यू हैव टू टेक प्राइड इन योर ओन आइडेंटिटी जब आप अपने अपने अंदर आप कौन हैं क्योंकि आप सब यूनिक है जो. उसको जब आप ओन करते हैं ना तभी फिर यू आर यूनिक एंड यू बिकम सक्सेसफुल और एक और काम जो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए फैसिलिटीज बहुत कम है जो. और आपकी जो ऑडियो बुक्स हैं वो तो ए, इन सब फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है तो ये इंस्पिरेशन कैसे आई अच्छा ये भी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने किया था वहाँ एक डिपार्टमेंट है जिसमें इस तरह से विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं पंजाबी लिटरेचर में भी थे लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम यही थी कि टीचर्स जो पढ़ा देते थे या फ्रेंड्स जो बताते थे उनको रेफरेंस के लिए बुक्स नहीं मिलती थी इंग्लिश में बेशुमार किताबें हैं उर्दू में पंजाबी में नहीं मिलेंगी तो फिर मुझे लगता था कि उनको सिलेबस के लिए भी ज़रूरत है गाइडेंस की फिर मैंने कम्प्लीटली उनका करतबा डॉट कॉम के साथ उनको ज्वाइन किया फिर मैंने वेरीटे डॉट कॉम इस तरह से दो तीन प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म्स पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट की पंजाबी ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं सिलेबस से रिलेटेड ताकि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ ऐसे जाके ऐसे आएंगे कीप वाचिंग हद कर दी मोमिन साहब है जी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन हद कर दी में गुफ्तगू हो रही है हंसी मजाक हो रहा है लेकिन हद कर दी में जब आप ना हो तो फिर हद कर दी में हद नहीं होती तो वेलकम बैक आपको एक फिर कहता हूं और सिलसिला शुरू करते हैं बातों का दैसन खान आपके घर इतने बड़े बड़े सितारे आते थे जेबा जी बाबरा शरीफ मैडम नूर जहाँ इन्होंने कभी नहीं बचपन में कहा कि यार ये तो बच्चा स्टार ही बनेगा नहीं उन्होंने कभी नहीं कहा लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे उनको देख के इन लोगों को मोहम्मद अली साहब नदीम साहब से जब बचपन में बहुत एज ए चाइल्ड मुलाकात हुई तब आपके सब कॉन्शियस में एक चीज़ बैठ जाती है कि दिस सो अप्रीश पीपल आर अप्रिशिएटेड इन सो मच पीपल लव दैम इनको देखने के लिए लोग जमा हो रहे हैं इनको मिलना चाहते हैं लोग सो so वो एक डिवेल्प हो जाता है कि यार इन्होंने क्या ऐसा किया है वाई डू पीपल लव दैम सो मच सो वो एक्टिंग से रिलेटेड जो शौक मुझे लगता है उसी तरह डिवेलप हुआ Uh, मुझ, मेरा अपना ख्याल है देख, इन इनको लोगों देख, देख, इनको, को, इनको इनको को देखकर देख, देख, देख आप really, singers, uh, them, so, uh, आप ज़्यादा बचपन में देखते हैं कि यार इनका काम इतना अप्रिशिएट होता है इतनी मेहनत भी करते हैं और दुनिया इनको पसंद करती है प्यार करती है तो वो एक चाहत डेवलप होती है आपकी कि आप भी जाने जाए पहचाने जाए और स्पेशली इफ़ यू आर्टिस्ट आपके अंदर होता है थोड़ा परफॉर्मेंस का आप स्कूल में कॉलेज में हमेशा हर चीज में आगे आगे पार्टिसिपेट करें तो वो फिर शौक भी बहुत ज्यादा है पैशन की हद तक तो नेचुरली देन आई थॉट कि यार कुछ और नहीं कर सकता यही करेंगे स्कूल से याद आया कि माशाल्लाह ग्रेड में इनका एक लव लेटर पकड़ा गया तो पहले तो ये बताएं कि उसमें था क्या और क्या आंटी से फेंटी पड़ी थी <laughs> <laughs> किसी दोस्त को लिखा था अपने लव लेटर या क्या सिलसिला था ये अब तो शादी भी हो गई है ये भी दोस्त है अब लिख दिया था किसको लिखा था आजकल मैसेज करते थे लोग वो पकड़े जाते हैं वॉइस नोट भेजते हैं तो हमारा लेटर लीक हो गया <laughs> आगे था था। आगे था। नहीं वो अच्छी लगती थी एक लड़की तो बस उसको लिख दिया ऐसे इनोसेंट सा लेटर था कुछ उसमें उसमें तो थोड़ा बताएं क्या इनोसेंस थी यही कि आप मुझे अच्छी लगती है बड़ी प्यारी लगती है मेरे साथ बैठा करें पूरी क्लास में कहीं और ना जाया करें ऐसे ही कुछ लिखा हो गया मूवी का शाहरुख कहीं और नहीं जा सकती तुम नहीं गुस्से में नहीं मोहब्बत में मोहब्बत में और पकड़ा गया था लेटर हम वो पकड़ा किसने

तो आप WhatsApp है Snapchat है। <laughs> <laughs> तो इसलिए ये एक बस बचपना होता है, थोड़ी बट इनोसेंट वे ऑफ यू नो टेलिंग प्रैक्टिस में आ रहे नाइस ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है आपके ड्रामे देखते हैं है. है, तो ऑडियंस के सवाल जो है ना हम लेते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका वालेकुम अस्सलाम समन बतूल नाम है मेरा और हसन खान से कुछ कहना है मैंने कुछ-कुछ आप को ज्यादा कुछ कह दें कुछ-कुछ क्या हुआ? मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन हैं आप नहीं हैं मैं भी हूँ लेकिन वो बहुत ज्यादा फैन है और अक्सर वो लेट नाइट हलके डॉक्टर है माशाल्लाह लेकिन लेट नाइट वो आपकी देखते रहते हैं क्लिप्स तो बुरी, बुरा लगता। हाँ कर दे आपको बुरा लगता है <laughs> वो असल ये पैगाम आप तक मैंने पहुंचाना था तो नहीं, आप नहीं, मैं आपको बुरा तो हाँ नहीं लगता कि वो बैठ के हमारे कभी वो आपको रात को ऐसा तो नहीं कह देते मेरी बात सुन वैसे मैं कहती क्या यार ये आप देखते रहते हो कहते हूं नहीं ये मैं <laughs> <laughs> क्या नाम है जी उनका इशफाक आपसे इशफाक साहब बड़ी मेहरबानी लेकिन आपकी बेगम जो उनको अंदर से गम है क्या आप रात को उनको क्यों नहीं देखते हैं? हमारे क्लिप्स क्यों देखते हैं आप उनको ज्यादा देखा करें <laughs> <laughs> अच्छा आपके लिए छोटी सी पोएट्री है पोएट्री जरूर जी ये भी आपके हस्बैंड की तरफ से नहीं आपकी तरफ से आपके हस्बैंड की तरफ से मेरी तरफ ये आपकी तरफ से क्या बात है सुना दिल होता न दिल रोता न दिल दिल से जुदा होता न दिल होता न दिल रोता न दिल दिल से जुदा होता न तुम इतने हसी होते न दिल तुम पे फिदा खुशाल खान कजन है आपका नहीं नहीं ये बड़ी मार्केट में बात पहली हुई है कि खुशाल आपका कज़न ये नहीं, नहीं, uh, uh, मैं, मैं कह सकता है, है जिसमें uh, जिस नोमी भाई का बेटा और इन दोनों का डेब्यू था uh, मेरा और मावरा, मावरा का प्ले था किस्सा मेहरबानों का सो उसमें वो मेरा भांजा बना था सो जब मुझे मामू और भांजे का हमारा वीडियो कोई था तो वो सबने बोला कि उसको बल्कि बड़ा बेचारे को बैकलैश आया कि कि इन्होंने तुम ने ने वाया। वाया। और इन्होंने तुम्हें करवाया करवाया इज हालांकि मेरा आई थिंक ही सुपर टैलेंटेड वो तो उसको तो कोई जरूरत ही नहीं किसी की सिफारिश की कंट्रोवर्सीज के बारे में आपका क्या ख्याल है जो हमारी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सीज निकलती हैं आई थिंक इट्स ओके जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो नेचुरली लोग उस आपका अपना राइट right समझते हैं कमेंट करना भी उसके ऊपर बात करना भी तो इसलिए मैंने कहा कि आप हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और आपकी तो सारी जिंदगी एक्सप्लेनेशंस में गुजर जाएगी यार तो लोग जो समझ रहे हैं अगर किसी चीज़ को किसी वीडियो को एंजॉय भी कर लिया तो सही है यार हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ जाना वहीं पे मैं आपको कहता हूं कि हमें माशरे की उन तल्ख हकीकतों पर भी गौर करना है जिनको हमारे गौर की ज़रूरत है इसीलिए हम अपने शो का एंड गौर करो से करते हैं तो अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर जिसका नाम है गौर करो हर सोसाइटी के मुख्तलफ़ ग्रुप्स होते हैं जो मिलकर एक डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं लेकिन इसके साथ ही इंफ्रदी सोच भी अहम है और हर एक का फ़र्ज है कि वो दूसरे के ख्याल और नज़रियात का एहतराम करें इनटॉलरेंस हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ती जा रही है और हम दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं अगर उसकी बात हमारी बात से अलग हो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर गौर करें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद हमने प्यार और मोहब्बत बांटना है और इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हर इंडिविजुअल अपनी इंफरादी सोच रख सकता है जो एक बुनियादी इंसानी हक है

दूसरों के साथ रहना सीखिए क्योंकि चाहे आप अपने घर में हो, फैमिली में हो, अपने मोहल्ले में हो, अपने मुल्क पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो दूसरों को टॉलरेट करेंगे तो जिंदगी आसान बनती तो यही आई थिंक आज का पैगाम है वेरी नाइस वेरी मच थैंक यू इस बात पर गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में लव यू ऑल